गुड इवनिंग। आज शाम को मेरी रसोई में बन रहा है डोसा और उत्पम, वेज उत्पम बनाऊंगी। फिलहाल बनाना है डोसा, तो अभी जो मेरा कास्ट आयरन तवा है इसको मैंने गैस पर रख दिया है बिल्कुल गर्म होने के लिए। कैमरा में शायद ना भी दिख रहा हो, इसमें से धुआं निकलने लग गया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको ना थोड़ा सा गैस को कर दूंगी बंद और इसको होने दूंगी थोड़ी देर के लिए ठंडा। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा पानी डालूंगी और फिर किसी भी टिश्यू पेपर या कपड़े से उसको अच्छे से पोंछ लूंगी। उसके बाद एक बार फिर इसको करूंगी हल्का सा ग्रीस और उसके बाद मेरा जो तवा है बिल्कुल नॉनस्टिक की तरह काम करेगा। आप लोग में से कई लोग पूछते हैं कि मैंने जो कास्ट आयरन तवा लिया था कि जब मैं उस पर डोसा वगैरह या उत्पम या चीला बनाती हूँ तो वो क्या चिपकता नहीं है। तो नहीं, शुरू शुरू में प्रॉब्लम आती थी, लेकिन मैंने ना इसको यूज़ करना बंद नहीं किया। और गर्मी बहुत है आज, उमस बहुत ज़्यादा है, तो इसको यूज़ करना मैंने बंद नहीं किया। मैं इसको लगातार यूज़ करती रही और पराठे वगैरह सेकने के लिए, टिक्की पराठे ऐसी चीज़ें मैं इस पर सेकती थी और अब बहुत हद तक ये नॉनस्टिक की तरह काम करने लगा है। बस एक बार ये हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद इस पर थोड़ा सा पानी का छींटा मारते हैं। और ये जो बैटर है ना, ये मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ अमेज़न से। दाल और चावल का ये बैटर होता है, डोसा इडली उत्पम हम आप पे हम जो चाहे इससे बना सकते हैं। और अम्मा जी नाम से ब्रांड है कि उसका ये आता है। और इसकी जो इडली बनती है ना इतनी सॉफ्ट बनती है, इवन डोसा या उत्पम जो भी हम बनाते हैं इतना बढ़िया बनता है, बहुत ही अच्छे तरीके से फर्मेंट हो रखा है। और इसमें नमक नहीं होता, नमक मुझे डालना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन प्रिजर्वेटिव वगैरह इसमें कुछ भी नहीं होते तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि घर के और बहुत सारे काम हो जाते हैं। वैसे हम घर में भी बना सकते हैं दाल चावल का बैटर जो होता है इडली डोसा के लिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो फिलहाल तो मैं ऐसे ही काम चला लेती हूँ। और बस अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। तो पहले मैं क्या करूँगी, इसमें ना इससे डोसा बना लूँगी, महक की फरमाइश है डोसा की, तो उसके लिए थोड़ा सा नमक डाल के प्लेन सा बैटर मैं तैयार कर लूँगी। और उसके बाद इसमें सब्जियाँ मैं डालूँगी। सब्जियाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सब्जियाँ मैंने चॉप करके ऑलरेडी रखी हुई हैं। ये मैंने चॉप किया हुआ है, इसमें है प्याज और क्या है हरी मिर्च, गाजर और शिमला मिर्च। ये चार चीज़ें मैंने इसमें चॉप करके ऑलरेडी रखी हुई हैं, ताकि जब एक बार बनाने बैठूंगी ना तो सब चीज़ें अच्छे से बन जाएंगी। बैटर सिर्फ यही नहीं है, और एक पैकेट और है, उसकी पैकिंग मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। तो बस इस नमक को कर देते हैं मिक्स। तवा हमारा हो चुका है थोड़ा सा ठंडा, और अब एक कपड़ा ले लेते हैं। ये मेरे कपड़े ना इसी वजह से इस तरीके से जले भुने रहते हैं, क्योंकि मैं एक तो तवे की रोटी हमारे घर में सब पसंद करते हैं, मम्मी पापा तो खैर नहीं खाते क्योंकि थोड़ी सी टाइट हो जाती है, अदरवाइज सबको तवे की रोटी पसंद है। तो तवे की रोटी, तो इस वजह से ना इस तरीके से जो नातने होते हैं हमारे, नातने ही बोलते हैं, रसोई के जो कपड़े होते हैं ना नैपकिन जो होते हैं, तो इस तरीके के निशान पड़ जाते हैं। तो इसी तरीके के एक दो कपड़े मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ अपनी किचन में। तो फिलहाल इस पर डालते हैं थोड़े से पानी के छींटे। और एक बार इसको अच्छे से पोंछ लेते हैं। इस तवे की ना एक सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है वो ये है कि इसका वेट तो इतना ज्यादा है, लेकिन इसको पकड़ने के लिए हैंडल नहीं है, और इसको मैनेज करना, उठा के रखना इधर उधर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब चलाते हैं अपनी गैस, स्विच ऑन करते हैं इसको, इसको करते हैं बिल्कुल, अभी मैंने बिल्कुल लो हीट पे इसको रखा हुआ है। अब एक बार अच्छे से इस पे जो अपना ऑयल है इसको फैला लेते हैं। इसके लिए एक बार मैं ना ब्रश भी यूज करूंगी, जिससे कि ये इवनली फैल जाए अच्छे से। अब इसके बैटर को इसमें डालते हैं, और जैसा महक को पसंद है डोसा उसी तरीके का बनाएंगे। थोड़ा सा मोटा डोसा वो खाती है। बस अब इसको ऐसे ऐसे फैला दिया, बिल्कुल प्लेन डोसा बना रही हूँ, आलू वगैरह की फिलिंग नहीं लगा रही हूँ। वो वैसे भी नहीं खाती, घर पे बने या बाहर बने मसाला डोसा वो वैसे भी नहीं खाती, उसे प्लेन ही पसंद है। तो बस अब ये बन गया ना, अब इसको धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर, बहुत तेज भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, इसको पकने देते हैं।
और आप देखेंगे बहुत आसानी से जो मेरा डोसा है होपफुली वो निकल जाएगा तवे पे से। अपने हथियार तैयार रखते हैं। बस इस तवे की यही दिक्कत है, आप लोगों को दिख रहा होगा, एक बार और दिखाती हूँ अच्छे से इधर की। और हाँ, इसकी ये दिक्कत है कि इसमें ना ये जो हैंडल्स हैं साइड के, ये भी मेटल के ही बने हैं, तो बहुत दिक्कत आती है मैनेज करने में। इस तवे को उठाना है, इधर उधर रखना है। मेरे बच्चों को ना साउथ इंडियन इतना ज्यादा पसंद है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो मेरे पंखा भी बंद किया हुआ है क्योंकि गैस पे कुकिंग कर रही हूँ, इस वजह से फैन ऑफ है। खिड़की खुली है इवन मेरे बैक साइड में, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। तो मेरे बच्चों को साउथ इंडियन इतना ज्यादा पसंद है, वीक में एक बार जरूर बनता है, मतलब एक बार बैटर आ जाता है, फिर एक या दो दिन तक उसमें से कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ, और मोस्टली डोसा या फिर इडली ही बनती है। अब आप देखिए इस तरीके से ना इसमें बबल्स आ गए हैं, एक बार दिखाऊं मैं नजदीक से आप लोगों को। और मुझे लगता है साउथ इंडियन जो भी खाना है ना, सांभर है या इस तरीके की दाल चावल की डिशेस हैं, तो ये ना बहुत ही हेल्दी होता है, नुकसान नहीं देता और बहुत ही हेल्दी होता है हमारे लिए। ये बिल्कुल ना सिकना शुरू हो चुका है, और इस तवे की एक खास बात ये है कि क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, इसका प्लेन सरफेस है ना, तो बहुत ही इवन तरीके से ये सिकता है कोई भी चीज जब हम इस पे सेकते हैं। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसे पकने में, अब ऑलमोस्ट ये सिकना शुरू हो चुका है। देखिए कितनी आसानी से निकल रहे हैं। आप लोगों को शक था ना कि ये पता नहीं नॉनस्टिक की तरह काम करता है कि नहीं करता, जिस तरीके से मैंने बताया आप उस तरीके से अगर इसको यूज करेंगे ना इस तवे को, तो आप ना मैं गारंटी लेती हूँ आप कभी भी नॉनस्टिक ना खरीदेंगे ना यूज करेंगे, खरीदेंगे नहीं तो यूज कहां से करेंगे, तो नॉनस्टिक तो बिल्कुल आप भूल जाएंगे। ये देखिए जरा कितनी आसानी से ये निकल जाता है, मतलब जैसे जैसे ये सीखता रहता है वैसे वैसे ये निकलता रहता है। बस ड्रॉबैक मुझे इस तवे का यही लगा कि इसको हैंडल करने के लिए हैंडल्स नहीं है, अगर वो होते ना तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाता। थोड़ा सा इस साइड से क्योंकि हीट कम जा रही है, इसको इधर करते हैं, इधर से थोड़ा सा भी कच्चा है, वैसे निकल गया है, देखिए निकल गया है आसानी से, बट अभी ना इसको पलटूंगी नहीं अदरवाइज ही टूट जाएगा क्योंकि साइज भी अच्छा खासा बड़ा है। अब ये देखिए आप ना बिल्कुल ये अलग हो चुका है इस टाइम तवे से, तो मैंने बताया ना आप इस तवे को एक बार यूज करना सीख जाएंगे ना, तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है इसका, क्योंकि हमारी हेल्थ को भी किसी तरीके का ये नुकसान नहीं पहुंचाता। बस अब इसको थोड़ा सा और सिकने देते हैं, इधर से मुझे कच्चा लग रहा है, और मैं जो डोसा बनाती हूँ ना वो दोनों तरफ से सेकती हूँ। कई लोग तो जैसे बाहर भी मिलता है या कई लोगों को मैंने देखा है वो सिर्फ नीचे से सेकते हैं, ऊपर से वैसे पक जाता है क्योंकि जो बैटर है वो स्टीम और हीट से और ऊपर से ऑयल जो हम डालते हैं उसकी हेल्प से क्या होता है वो पक जाता है बहुत अच्छे से, लेकिन अब जैसा सबको पसंद है वैसा ही बनाना पड़ेगा घर में। तो ये अब बस पलट देते हैं इसको, ये देखिए जरा एक बार नजदीक से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए जरा कितनी अच्छी सी लेयर इस पे आ गई है, क्रिस्पी क्रिस्पी सी और सॉफ्ट रहेगा अंदर से ये, ज्यादा देर के लिए नहीं, अब बिल्कुल थोड़ी सी आधा मिनट के लिए लगभग मैं इसको इस साइड से सेकूंगी लगभग, क्योंकि अभी ये पलटा है तो थोड़ा सा और चिपक गया होगा, तो जैसे ही ये पकेगा ना अपने आप ही इसके जो किनारे हैं वो छूटने शुरू हो जाएंगे, और बस हमारा डोसा है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। घी इसमें मुझे ऑयल या घी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो तवा है वो अभी काफी चिकना है और महक को ज्यादा ऑयल पसंद नहीं है, वो ज्यादा ऑयली नहीं खाती, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि ऑयल कम से कम मैं लगाऊं।
और सांभर भी मैंने बनाया था, सुबह बनाया था सांभर, तो पता नहीं वो शायद नहीं लगी। नारियल की चटनी मैंने बना के रखी हुई है, ताज़ा नारियल की, उसके साथ सर्व करूंगी उसको। तो मैं बस ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ना एकदम बढ़िया तरीके से दूसरी साइड से भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पक चुका है। और आज तो हमने दोपहर में पूरी भी बनाई थी पालक की, वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ। हाँ, इसके अलावा ना मैंने अपने देहरादून का एक और वीडियो पब्लिश किया है, प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने दिखाया है जिस तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था देहरादून में राखी का त्यौहार, वो सब चीज़ें, शॉपिंग पे गए हम लोग, मेरे भाई की जो शॉप है वहाँ पर, वो सब चीज़ें मैंने उसमें शेयर की है। तो प्लीज़ अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना वो वाला व्लॉग। बस अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब ले लेते हैं एक प्लेट और बस, क्योंकि ज्यादा करारा उसे नहीं पसंद, ऐसे ही रखेंगे सॉफ्ट सॉफ्ट सा, बहुत ज्यादा करारा भी नहीं करेंगे और बहुत कच्चा कच्चा सा भी नहीं, मतलब जितना कि सीखना चाहिए उतना ही रखा है। एक बार और इसको पलट लेते हैं और बहुत ही सॉफ्ट एकदम जैसे होता है ना बिल्कुल सॉफ्ट इधर की साइड से है ये। अब इसको करते हैं ऐसे फोल्ड और बस उठाया तवे से और ये हमारा डोसा हो गया तैयार। चटनी मैंने फ्रिज में रख दी थी नारियल की बना के, वो और मैं लेकर के आती हूँ, वो और दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है चटनी, इसमें मैंने डाला है नारियल और हरे मिर्च, लहसुन ही डाला है मैंने, लहसुन हमारे घर में सबको ज़्यादा पसंद नहीं है, रेयर डिश में ही मैं डालती हूँ। तो इसमें है हरी मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और साथ में है ताज़ा नारियल और तड़का मैंने लगा दिया इसमें, कहाँ गई, जो लाल मिर्च होती है और सरसों होती है उसका तड़का भी मैंने इसमें लगा दिया है। बस अब इसके साथ ही उसे सर्व कर दूँगी। और यही आज का हमारा डिनर होगा, अभी उत्पम भी बनाती हूँ इसके बाद। बस ये एक और डोसा बना के उसके बाद फिर बनाएंगे अपना उत्पम। तो जब तक हमारा ये वाला डोसा बनकर तैयार होता है, हम जो सब्जियां हम लोगों ने चॉप की थी ना, ये मतलब मैंने चॉप की थी, ये मैं इसमें डाल देती हूँ बैटर के अंदर। और सब्जियां मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को कौन कौन सी ली थी। ये इसमें डाल देंगे, नमक मैंने ऑलरेडी डाला ही हुआ है। थोड़ी सी इसमें मैं लाल मिर्च और डालूंगी, उससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और चटपटा भी तो हो ही जाएगा। देखिए कितने प्यारे कलर्स इसके लग रहे हैं। अब इसके बनाएंगे हम उत्पम। और ये जो पैकेट मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, किस ब्रांड की मैं बात कर रही थी, एक बार इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। ये देखिए ये बैटर है, इसे मैं मंगाती हूँ। ये आता है 1 लीटर, शायद 80 या
85 का आता है, 80 और 85 का आता है ये। ये बैटर है, ये अमेजोन फ्रेश से मैं मंगाती हूँ। और भी इनके आते हैं, मल्टी मिलेट इडली डोसा बैटर आते हैं, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया, एकदम ऑथेंटिक जिसको कहते हैं ना, वो फ्लेवर इसका आता है। और इसके बारे में कुछ यहाँ पर लिखा भी है, सब चीज़ें जो भी इस बैटर में है बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जाता है, वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर यूज़ करने के जो रेसिपीज़ हैं ना, वो भी दी हुई हैं साथ में। तो ये है हमारा अम्मा स्पेशल इडली डोसा बैटर। तो ये मैं यूज़ करती हूँ, शॉर्टकट तरीका है, तो इस शॉर्टकट तरीके से साउथ इंडिया में फटाफट इतनी फ्रिक्वेंटली अपने घर में बना पाती हूँ। बस जी, महक का दूसरा डोसा भी बनकर तैयार हो गया। यश, ये चटनी ले जाओ। हाँ, ये दूसरा डोसा हो गया महक का बनकर तैयार। एक बार और पलट लेते हैं इसको। तो इस पर पानी मैंने डाल दिया है हल्का सा, और कपड़े से पोंछ दिया है। अब इस पर हल्का सा ऑयल लगाते हैं, और साथ में अपना जो सब्जियों वाला बैटर था ना हमारा, ये डाल लेते हैं। कड़ी पत्ता भी हम इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत स्वाद लगता है। अदरक भी डाल सकते हैं, वो जो जो आपके पास हो उसके हिसाब से चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसको फैला देते हैं अच्छे से। सब्जियां मैंने ना ढेर सारी डाली है। अच्छा, उत्तपम बनाने का एक और तरीका होता है, हम जो अपना बैटर है ना, प्लेन बैटर दाल चावल का, वो डायरेक्ट तवे पे डाल सकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर से सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे कि दुकानों पे और रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। ये थोड़ा सा मोटा ही रहेगा क्योंकि सब्जियां बहुत सारी हैं। एंड बस अब इस पे लगा देते हैं तेल अपना। और थोड़ा सा किनारी पे भी डाल देते हैं, और अब इसको सिकने देते हैं। ये डोसा या उत्पम होता है ना, तो इसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसी से पता चल जाता है कि हमारा डोसा या उत्पम है, वो अभी नीचे से अच्छे से सिका है कि नहीं सिका। आप देखेंगे दो कलर इसके हो गए हैं, तो जहां जहां से थोड़ा सा सूखने लग जाएगी ना, इसकी जो पपड़ी सी बनने लग जाएगी, यानी उतना हिस्सा सूख गया है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये चीजें जो है वो अभी गीली है, यानी अभी इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा सिकने में। तो बहुत तेज आंच पर इसे नहीं सेकना है, वरना जो हमारी सब्जियां हैं वो कच्ची रह जाएंगी। तो आप देखेंगे फ्लेम को ऑलमोस्ट मैंने लो के आसपास ही रखा हुआ है, लो मीडियम कह सकते हैं। और बस अब देखते हैं कॉर्नर्स इसने छोड़े हैं या नहीं। नहीं, अभी कॉर्नर्स नहीं छोड़े हैं। इधर से देखते हैं, नहीं अभी कॉर्नर्स नहीं छोड़े, तो अभी हमारा जो उत्पम है वो नीचे की ओर से अच्छे से नहीं सीका है। तो देखिए पूरी जो ऊपर की जो लेयर है बैटर की, वो ऑलमोस्ट एक जैसे कलर की हो गई है। अब देखते हैं, ये देखिए कितनी आसानी से जो किनारी है ना उत्पम की, वो अलग होती जा रही है। देखिए जरा, धीरे धीरे, कोई कुश्ती नहीं करनी हमें उत्पम के साथ, धीरे धीरे इस तरीके से। ये देखिए कितनी आसानी से अलग होता जा रहा है, देखिए जरा, देखिए, ये देखिए बीच में से थोड़ा सा ज्यादा सिकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हीट है वो एकदम बीच में ही होती है, सेंटर में। अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा जो उत्पम है नीचे से सिक चुका है। अब इसको हम पलट देंगे, ये देखिए। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं ऊपर की ओर, क्योंकि इसमें ऑयल डोसे के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा जाता है, क्योंकि एक तो इसमें बैटर भी ज़्यादा होते हैं डोसे के मुकाबले, सब्जियां भी होती हैं। बस बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी इधर से सेका था, इसी तरीके से इसको दूसरी साइड से भी सेक लेंगे, और हमारा जो बढ़िया सा टेस्टी सा और हेल्दी सा उत्पम है वो हो जाएगा बनकर तैयार। हल्का सा इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे, ताकि अंदर जो गैप्स वगैरह हों वहाँ पर भी अच्छे से हीट हमारी पहुँच जाए, स्टीम हमारी पहुँच जाए, और वो भी अच्छे से सिक जाए। ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये आ रही है सब्जियों की, क्योंकि जो सब्जियाँ हैं जैसे गाजर है, शिमला मिर्च, मिर्च, प्याज, जैसे ही वो कुक होंगी तो क्या होगा, अपना जो पानी है वो छोड़ेंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो उत्पम है वो
मॉइस्चर छोड़ेगा और सॉफ्ट होता जाएगा। तो हमारा जो बैटर है ना वो तो सिक जाता है, लेकिन जो सब्जियां होती है उनको सिकने में टाइम लगता है। बट स्टिल आसानी से आप देखेंगे ये निकल रहा है। अभी थोड़ी सी और गुंजाइश है, तब तक और इंतजार करते हैं, एक बार और चेक करते हैं। तो जी हमारा जो उत्पम है ये भी हो गया है तैयार। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। ये देखिए जरा, ये हमारा उत्पम भी हो गया है तैयार। तो बस इसी तरीके से हम अपने जो बाकी उत्पम है उन्हें भी तैयार कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो से आपका जो शक और शुबा था कास्ट आयरन तवा के यूसेज के लिए, तो वो कुछ हद तक मैंने कोशिश की है मैं दूर कर सकूँ। और देखिए जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इसका एक तो वेट इतना ज़्यादा है, 3 से 3.5 किलो के आसपास इसमें वजन है, और इसके जो हैंडल्स हैं ना वो नहीं दिए हुए हैं प्रॉपर तरीके से जिनको हम यूज़ कर सकें इस तरीके से है। तो इनको या तो सिलिकॉन के जो ग्लव्स आते हैं ना वो मुझे मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि कपड़े से भी जब मैं इसको आपको बताऊं ना इस तरीके से 3 या 4 बार फोल्ड करके मैं इसको पकड़ती हूँ तो भी कुछ ही सेकंड्स में ये कपड़ा भी बिल्कुल गर्म हो जाता है और हीट है वो हमारे हाथों तक पहुँच जाती है। तो बाकी बिल्कुल इसके अंदर कोई कमी नहीं है, इस तवे के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम कर रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आपके किसी डाउट को क्लियर किया होगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।